समुंदर में तैरो, नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नालों में क्या रखा है। और प्यार करना है तो देश से करो, औरों में क्या रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीती शाम एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी हिंदुस्तान को राहत की सांस दे दी, लेकिन उसके बाद उस खबर की पुष्टि नहीं की गई तो हर कोई हैरान हो गया, बेचैन हो गया, और हर किसी के मन में यह सवाल था कि आखिर अब क्या होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की मृत्यु की खबर बीती शाम सामने आई, जिसके बाद किसी ने भी उनकी मौत की खबर की पुष्टि नहीं की। लेकिन इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो ताज़ा जानकारी फिलहाल मिल रही है। बड़ी बात यह है, जो सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि मसूद अजहर जिंदा है और उसे शिफ्ट किया गया है। ताज़ा लोकेशन की भी जानकारी साफ तौर पर सामने आई है। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद बौखला गए हैं ये आतंकी। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद अब दुनिया ये जान चुकी है कि 26/11 पुलवामा हमला, उरी हमले के बाद अब देश जाग उठा है। हिंदुस्तान चीख चीख कर ये कह रहा है कि अब आतंकिस्तान का खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आपको बता दें कि मसूद अजहर एक ऐसा आतंकी, या यूं कहें कि JM, जैश मोहम्मद का सरगना, जिसने नाक में दम किया हुआ है भारत की। चाहे वो हमारे प्लेन हाईजैक की बात हो, कई ऐसे मामले हैं जहां पर इस शख्स ने हमें काफ़ी ज़्यादा दुख दे रखा है। UN में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से भी ये प्रस्ताव रखा गया है कि इन्हें इंटरनेशनल आतंकी घोषित कर दिया जाए और उसके बाद इन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे में क्या है मसूद अजहर की ताज़ा लोकेशन और उनके बारे में क्या ज़्यादा जानकारी आ रही है, इस बारे में मेरे साथ मौजूद हैं लव कुमार। ये पॉलिटिकल की काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। लव, सबसे पहले तो हमें बताएं मसूद अजहर को लेकर क्या अपडेट है। मसूद अजहर को लेकर जो शाम खबर आई और जो भारतीय मीडिया में ये खबर चल रही थी कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है उसमें वो जख्मी हुआ था, ये सरासर गलत है कि जो खबरें मीडिया में आती हैं वो पुष्टि नहीं की जा सकती। और मैं इस वजह से कह रहा था कि वो गलत खबर है, क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की वो बालकोट में की, और ऐसा इंडियन एयरफोर्स ने बोला, पाकिस्तान ने भी बोला, भले उन्होंने ये कहा कि हमें कोई कैजुअल्टी वहाँ पर नहीं हुई, जो भी ये उनका स्टैंड है, जाहिर सी बात है वो बताएंगे तो है नहीं कि हमारी कैजुअल्टी हुई है। लेकिन जो यहाँ पर खबर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये गलत है कि वहाँ पर मसूद अजहर इंजर्ड हुआ है, क्योंकि मसूद अजहर जो रहता है वो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो बहावलपुर में रहता है, नहीं कि बालकोट में रहता है। बालकोट किसी और रीजन में आता है वहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों लोकेशन बहुत दूर हैं। और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह मुहम्मद कुरैशी, उन्होंने जब इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं अभिनंदन, उनको रिहा करने, जिस दिन रिहा किया जा रहा था उसी दिन उनका इंटरव्यू आया BBC पे, BBC वर्ल्ड पे उनका इंटरव्यू चला, और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मसूद अजहर है, जब उनसे पूछा गया कि आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार ने डोजियर भी आपको सौंप दिया है, तो उनका जो रिप्लाई था उनका यही था कि जो डोजियर सौंपा गया हम उसकी जांच कर रहे हैं। और जब मसूद अजहर की उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, और वो इतने बीमार हैं कि अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो ये खबर थी जिस दिन अभिनंदन, ताज़ा अपडेट क्या है, ताज़ा अपडेट यही है कि वो जो कल खबर आई थी कि उनकी डेथ हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आर्मी जो ISI और आर्मी की जो हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ पे पंजाब के किसी लोकेशन पे उनको शिफ्ट किया गया, जाहिर सी बात है कंफर्म लोकेशन किसी को ISI पता नहीं चलने देगी। और सपोर्ट तो है, पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट है पूरी तरीके से, जो वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है ऐसा पाकिस्तान जो सेना है वो करती नहीं है। ISPR का कुछ अलग ही वहाँ पे फंडा है, ISPR पूरी तीनों सेनाओं को कंट्रोल करती है, वो अपने हिसाब से वहाँ पे काम करते हैं। तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो भी कहें, लेकिन यहाँ पे सेना जो है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे जिस दिन हमारे सैनिक वो एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो वापस आ रहे थे, दूसरी तरफ वैसे ही चल रहा था जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, दोनों तरफ की लोगों मरे वहाँ उस दिन भी मर रहे थे। तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कहे, सेना अभी पॉलिटिकल पार्टी का क्या बोलें, वो खैर ये 26/11 के मामले में भी था, कब कब भारत डोजियर सौंपेगा, अब ये बात तो समझ से थोड़ा सा पार चली जाती है। जब आपके घर में इस तरह के सरगना बैठे हों तो फिर आपको कार्रवाई करने के लिए भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भारत ये कह चुका है, इवन भारत एयर स्ट्राइक करके ये संदेश दे चुका है कि कार्रवाई करो वरना हम करेंगे, और अगर हम करेंगे तो हम अपने तरीके से करेंगे। हालांकि कई पॉलिटिशियंस हैं जो ये भी कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक के सबूत दीजिए,
वहां पर कौन मरा कौन नहीं मरा ये इनको बताना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे भी कुछ लोग हैं, खैर उन पर मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री हैं फवाद चौधरी ने हाल ही में अब से कुछ मिनट पहले ये बयान जारी किया है पाकिस्तान की ओर से कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ वो अभी सबूत ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी प्रतिबंधित संगठन है या जो भी आतंकी संगठन है जिन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने लोगों को पीड़ा पहुंचाई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की सोच रहा है पाकिस्तान, क्योंकि अब उसे भी यूएन में जवाब देना है। फ्रांस और ब्रिटेन ने साफ तौर पर कहा है कि हम मसूद अजहर को घोषित कराना चाहते हैं इंटरनेशनल टेररिस्ट, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि मसूद अजहर पर अब लगाम कसने की बारी है। भारत ने दबाव डाला है, हिंदुस्तान के दबाव में अब पाकिस्तान हरकत में आया है। हालांकि लव एक बात बताया मैं, जो फवाद चौधरी का जो बयान आया है क्या लगता है, दो तरफा बयान दिए जा रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ हम अभी डोजियर हमको मिला उस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बाकी प्रतिबंधित संगठनों पर हम कार्रवाई, यानी कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उस पर आप कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, ये समझा जाए? नहीं, जो इन्होंने बात की कि जो प्रतिबंधित संगठन है, आपको बता दें कि जैसे मोहम्मद 2001 से पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, इसके बावजूद भी उसके जो मदरसे हैं वहाँ पे वो अभी ट्रेनिंग भी देते हैं, पढ़ाने के नाम पे ट्रेनिंग देते हैं, जाहिर सी बात है। और पाकिस्तान इसी के नाम पे हमेशा बचते रहता है कि जो इंडियन कहते रहते हैं, इंटेलिजेंस कहते रहते हैं कि जो 60,000 लोगों की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो कहते हैं यहाँ पे तो मदरसे चलते हैं, यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते। तो जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कि वहाँ पे 30-40 हज़ार बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 30-40 हज़ार बच्चे सिर्फ पढ़ते ही हो। और साफ तौर पे जाहिर सी बात है, जब आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट करता है उसका वीडियो रिलीज होता है और साफ तौर पे कहता है, तो यहाँ पे कोई सस्पेंस नहीं रह जाता। और पाकिस्तान का हमेशा से यही रहा है, 2001 से जब संसद पे हमला हुआ था, जैसे मोहम्मद नहीं कराया था, 2000 में बना, 2001 में हमला हो गया, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संस्था है और काम कर रही है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को यहाँ पे जो दिखाते हैं, अमेरिका भी साफ तौर पे बोल चुका है कि आप आतंकियों पे कार्रवाई कीजिए, और इसी वजह से उन्होंने फंड भी रोक दिया जो इस साल उन्हें फंड देने वाला था अमेरिकन $60 मिलियन का, और इसकी वजह से जो उनकी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा गर्त में चली गई है। फिर भी पाकिस्तान अभी बाज नहीं आ रहा है, भले इमरान खान जो भी कह रहे हों कि हम आतंकियों पे कार्रवाई करेंगे, वो हम अपना ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन लगातार ज़मीन पाकिस्तान इस्तेमाल होने दे रहा है। वो भले ही जो आज़ाद कश्मीर जो कहते हैं, जो हम पीओके कहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो भले ही अपना हिस्सा प्रॉपर तरीके से नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, तो वहाँ से बैठ कर भी, क्योंकि उनकी आर्मी वहाँ पर होती है, तो आप कार्रवाई कर सकते हो, आप ऐसे मुँह नहीं मोड़ सकते। और इसका नतीजा अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ वैश्विक आतंकवादी घोषित कर देने से भी कुछ नहीं होता, और हमने ये पहले भी देखा, जो पाकिस्तान में वैश्विक आतंक, ओसामा बिन लादेन को देख लीजिए, जब तक पकड़ा नहीं गया था पाकिस्तान नाम लिया कि हमारे यहाँ रहते हैं, अमेरिका घुसा, उसी से पैसे लेते थे और उसी को बचाते थे, तो ऐसा पाकिस्तान है। बहरहाल इस पर जो भी अब पाकिस्तान क्या कहेगा इसको तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो फवाद चौधरी की तरफ से जो बयान आया है ये सामने आई है, और इस बात की अभी पुष्टि SPN9 न्यूज नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, वो बिल्कुल साफ तौर पर यह है कि मसूद अजहर जो है वो जिंदा है और उसे शिफ्ट किया गया है। और बड़ी बात यह है, आपको बता दें कि लव, आप एक सवाल और पूछता हूं मैं कि जैश ए मोहम्मद पर पाकिस्तान को और कितने सबूत चाहिए? 2001 में उन्होंने कहा कि हम तो आपके घर में घुस के मारेंगे, हम आपकी पार्लियामेंट में घुस के मारेंगे, आप क्या कर लोगे? 26/11 इतना बड़ा हमला NSG कमांडोज ने, फिर भी बहुत सारी हमारी इज्जत बचाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर बताया कि हम तो करेंगे, आप क्या कर लोगे? हालांकि उस दौरान सरकार कुछ और थी, मैं पॉलिटिकल मसलों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब उरी के बाद से जो हमने जवाबी कार्रवाई करनी शुरू की है, भले पाकिस्तान ये कह रहा हो कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक डर तो जरूर होगा। आप उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान मानने तक से इनकार कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। चलो जब अभी स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, कम से कम माने तो ये ना, जाहिर सी बात है वो नहीं मानेंगे कि हमारे यहाँ कोई कैजुअल्टी हुई है। और जो खैबर पख्तूनवा जहाँ पे स्ट्राइक हुआ था, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए 60 बेड अलग से रिजर्व किया था वहाँ के गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटीज़ ने, वो किसके लिए किया गया था? जाहिर सी बात है वहाँ पे किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, तो इससे साफ होता है कि हमारी एयरफोर्स वहाँ पे गई है, 1,000 किलो वहाँ पे बम्स गिरा है, तो कुछ हुआ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो अलग बात है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ये बोल रहे थे कि यहाँ पे 15 पेड़ गिरे हैं, ये बहुत मजाकिया लगता है कि हमारी एयरफोर्स
सिर्फ 15 पेड़ गिराने गई थी वहां। बिल्कुल, पाकिस्तान ने तो यही दावा किया है कि उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, 1000 किलो बम जहां पर गिरे वहां एक फुग्गा भी ना फूटे, ये तो पॉसिबल नहीं है। बहरहाल इतना सोच के तो बोलना चाहिए कम से कम। अब क्या लग रहा है मसूद अजहर को लेकर, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है कि अगर प्रेशर है, ये बात तो साफ तौर पर कि यूएन में साफ तौर पर ब्रिटेन और फ्रांस, हो सकता है कि अमेरिका अभी थोड़ा सा देर लगाए, लेकिन वीटो के तहत क्या एक्शन ले सकता है फ्रांस और ब्रिटेन? फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, जो वो कमेटी है वहाँ पे, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मसूद अजहर पहले ही वैश्विक आतंकवादी घोषित हो जाते। अभी तक भारत सरकार ने 4 बार यूएन में ये रेजोल्यूशन रखा, 3 बार फ्रांस रख चुका है, लेकिन जो इसमें मुख्य भूमिका निभाता है वो है चीन। वो हर बार इसको डिनाई कर देता है टेक्निकल इशूज की वजह से। तो यहाँ पे चीन पे ज़्यादा प्रेशर बनाने की ज़रूरत है, और भारत सरकार, मैं कुछ हद तक कह सकता हूँ, जो अभी मोमेंटम बना है पुलवामा के बाद, जिस तरीके से विदेश मंत्री चीन गई थी हमारी सुषमा स्वराज, और उसके बाद जो चीन का रिप्लाई आया कि हम नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़े, तो चीन पे भी दबाव बढ़ रहा है कि वो अब मसूद अजहर को जो वीटो करता आ रहा है, अमेरिका हमारे साथ है, बाकी कंट्री फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, सब हमारे साथ है, जो वहाँ पे है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, जो 5 पावर सिवाय चीन के, चीन अभी तक 7 बार ऐसा कर चुका है कि वो उसने वीटो का पावर लगा के टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसको नहीं घोषित किया जा चुका है। इस बार फ्रांस ये बोला है कि हम फिर से रेजोल्यूशन लाएंगे वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इस बार देखना होगा कि चीन क्या करता है, क्या चीन फिर से अड़ंगा लगाएगा। मुझे उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रेशर बन रहा है, वैश्विक प्रेशर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साफ तौर पर कहा जब वो किम जोंग उन से मिल रहे थे वहाँ पे, तभी उन्होंने भारत पाकिस्तान के मसले पे स्टेटमेंट दिया और बोले कि कोई बड़ी खबर यहाँ पे आ सकती है, अच्छी खबर आ सकती है। तो जाहिर सी बात है दबाव दोनों देशों पे है, भारत पे भी है, पाकिस्तान पे भी है, और चीन ऐसे समय में मुझे नहीं लगता कि अड़ंगा लगाएगा। बिल्कुल, कब तक ये पुलवामा की तरह 40 जवानों की शहादत का शोक हिंदुस्तान मनाता रहेगा? और अब जरूरत है एक्शन की, अब जरूरत है इन आतंकियों को बताने की कि अब भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है, बच के रहिए या फिर हमले करना बंद कर दीजिए। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हमारे चैनल SPN9 News को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।